जय श्री राम। आज का विषय है भक्त सूरदास। वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी का जन्म सारस्वत कुल में उत्पन्न पंडित रामदास के यहाँ 1478 में वैशाख सुदी पंचमी को आगरा मथुरा यानी उत्तर प्रदेश सड़क पर स्थित रुनकता ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान वल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद के निकट से ही सीही ग्राम को इनका जन्म ग्राम मानते हैं। बहुत विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं। आरंभ से ही वे गान विद्या में प्रवीण थे। कंठ माधुर्य के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। 18 वर्ष की आयु में ही अपना गांव छोड़कर यमुना किनारे गऊ घाट पर रहने लगे। कहते हैं कि एक बार चलने पर रास्ते में एक अंधे कुएं यानी पानी विहीन में गिर गए। दुखी होकर बाहर निकालने के लिए आतुर वाणी से पुकार रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने आकर उन्हें कुएं से हाथ पकड़कर ऊपर निकाला। भगवान के स्पर्श से उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। जब हाथ छोड़कर जाने लगे तब सूरदास जी ने कहा, भैया छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोही, हृदय ते कड़ी जाओगे, मर्द बदेंगे तो ही। अर्थात, प्रभो शारीरिक रूप से कमज़ोर मुझसे हाथ झटक कर तो जा सकते हो, पर तुम मेरे हृदय से बाहर निकल कर बताओ तो मैं तुम्हें मर्द यानी बलवान समझूंगा। गऊ घाट पर ही रहकर 31 वर्ष की आयु तक विनय और दैन्य के पद रचकर गाते रहे। तभी भगवान की कृपा से सन 1510 में महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई। उन्होंने सूरदास के विनय के पद सुनकर कहा, अरे सूर के पास ऐसे काहे कौ घिघियात हो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। इतना कहकर उन्होंने पुष्टि मार्ग में सूरदास जी को दीक्षित कर दिया। वल्लभाचार्य जी के कहने से सूरदास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर कीर्तनकार के रूप में रहने लगे, जो अंत समय तक वहीं रहे। बाह्य नेत्र विहीन सूरदास जी को श्याम सुंदर ने कृपा करके अंतःचक्षु प्रदान किए थे। मंदिर में रहकर प्रतिदिन श्रीनाथ जी के श्रृंगार के बाद वह पद गाते थे जिसमें उस दिन के श्रृंगार का वर्णन करते थे। जैसा पुजारी करता ठीक वैसा ही वर्णन करते थे। पुजारियों को लगा कि इन्हें दिखाई देता है, नहीं तो जैसा के तैसा वर्णन कैसे कर सकते हैं। सूर की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्रीनाथ जी के शरीर से सभी कपड़े और आभूषण उतार कर बाहर रख दिए और पुजारी बोले कि सूरदास हो गया भगवान का श्रृंगार, करो पद का गायन। सूरदास भौतिक नहीं अभौतिक नेत्रों से भगवान को देखकर ही स्वरूप का बखान करते थे। तभी सूरदास ने अंतःचक्षुओं से भगवान को देखा तो भगवान को नग्न खड़े पाया। उन्होंने वर्णन करते समय कहा, आज हरि बनी गए नंग धड़ंग। इस सत्य को जानकर पुजारियों ने उन्हें संत माना। उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी पूरे समाज को स्वधर्म में बांधे रखना, उसमें चैतन्य और स्वाभिमान जागृत करना, ताकि हिंदू समाज सम्मान से जीने की प्रेरणा पा सके। उस समय के अनेक भक्त कवियों की तरह सूरदास जी ने भी भक्ति की रचनाओं के माध्यम से वह कार्य किया। एक बार संगीतज्ञ तानसेन ने सूरदास का रचा हुआ पद अकबर को सुनाया तो उत्सुकतावश अकबर तानसेन के साथ सूरदास जी से मिले। तब आग्रह करने पर उन्होंने भक्ति रस का गीत गाकर सुनाया। अकबर द्वारा दरबार में आने का अनुरोध करने पर उन्होंने सविनय निष्पृहता के द्वारा तुलसीदास की जी की तरह जाना ठुकरा दिया। उस समय तक साहित्य में नौ ही रस थे। सूरदास जी द्वारा वर्णित अद्भुत बाल कृष्ण लीला के कारण कवियों ने नए 10वें रस वात्सल्य को जन्म दिया। वह वात्सल्य रस के सम्राट थे।
भगवान श्री कृष्ण की लीला के 125,000 पदों की जो रचना की है वह सूर सागर नामक ग्रंथ में संग्रहित है। एक तरह से कहे तो भगवान की लीलाओं का श्रीमद् भागवत का ही ब्रज भाषा में अनुवाद है। दूसरी महत्वपूर्ण कृति सूर सारावली है। एक अन्य रचना साहित्य लहरी भी इन्हीं से संबंधित है। उनकी भक्ति सख्य भाव की थी। वे एक महान संत, त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने 103 वर्ष की आयु प्राप्त कर सन 1581 में स्वामी विट्ठलदास जी के सामने खंजन नयन रूप रस माते पद गाते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया और अनंत में मिल गए। सूरदास जी के अंतिम समय में गोस्वामी विट्ठलदास जी ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाँ जाते हैं सो जाके जाको, कछु लेना होए सो ले। संत कवियों के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अबके कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। भारत माता की जय।